Swayam Prabha, Digital India, Educated India. स्वागत है आप सभी का मानव संसाधन प्रबंधन के इस व्याख्यान संख्या 18 में मैं डॉक्टर सुप्रिया जैन जीएलए विश्वविद्यालय मथुरा से आज के इस व्याख्यान में हम चर्चा करेंगे दी फ्यूचर ऑफ एचआरएम की इसको पढ़ने से पहले जान लेते हैं कि आज के हमारे चर्चा के क्या विषय रहेंगे शुरुआत करेंगे हम परिचय से मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व क्या है किस प्रकार से एक भूमिका निभाता है किसकी इंपॉर्टेंस और सिग्निफिकेंस को जानने की कोशिश करेंगे इसके साथ ही आप जान पाएंगे वर्तमान समय में मानव संसाधन प्रबंधों की भूमिका क्या है किस प्रकार के ये रोल प्ले कर रहे हैं एच के जो ट्रेंड्स हैं रिसेंट ट्रेंड्स हैं किस प्रकार से एच का रुझान है आज के इस दौर में उसके बारे में हम जानकारी करेंगे एच को बदलने के लिए किस प्रकार से मजबूर किया जा रहा है क्या क्या चेंजेस हैं क्या क्या फोर्सेस हैं जो उसमें डेवलपमेंट हो रहे हैं हमारे इकोनॉमी में जो उसमें चेंजेस ला रहे हैं उसके बारे में हम बात करेंगे हम बात करेंगे उभरती अवधारणाओं के बारे में इमर्जिंग कंसेप्ट जो हैं एच से रिलेटेड उनको हम डिस्कस करेंगे साथ ही हम बात करेंगे कि एच पर टेक्नोलॉजी का किस प्रकार से प्रभाव पड़ा है और इस प्रभाव से किस प्रकार से उसमें बदलाव आया है कार्यबल रुझान के बारे में हम जानकारी करेंगे इसके साथ ही हम बात करेंगे ई मानव संसाधन प्रबंधन की जो ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ हैं उनको हम डिस्कस करेंगे उसके साथ ही हम एच के चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे और अंत में हम बात करेंगे एच आर जो हमारे इंडिया में फॉलो की जा रही हैं वो किस प्रकार से हैं इन सभी विषयों पर आज हम चर्चा करेंगे इस व्याख्यान में इस व्याख्यान को ख़त्म होने के बाद आपके क्या क्या उद्देश्य पूरे हो जाएंगे एक बारी उनको देख लीजिए उभरते परिष्य में एचआरएम के महत्व को आप समझ पाएंगे आप जान पाएंगे कि आपके जो इमर्जिंग सिनारियो है उसमें ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का क्या एक इम्पॉर्टेंस है किस प्रकार से वो एक इम्पॉर्टेंट या महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी आपको जानकारी मिलेगी आधुनिक समय में मानव संसाधन प्रबंधन की क्या भूमिका है किस प्रकार से ये रोल प्ले करते हैं एच को प्रभावित करने वाली ताकतें क्या हैं किन फोर्सेस के हम इस पर इम्पैक्ट डालती हैं इसकी आपको अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी इसके साथ ही आप चैलेंजेस के बारे में बात करेंगे जो बदलते सिनारियों में जितने भी बदलाव आ रहे हैं उसमें क्या चैलेंजेस उन्हें फेस करने पड़ते हैं इसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी और साथ ही आप जान पाएंगे कि भारत में जो करेंट प्रैक्टिस हैं मानव प्र मानव प्रबंधन से रिलेटेड या मानव संसाधन प्रबंधन से रिलेटेड जितने भी चैलेंजेस हैं या जो प्रैक्टिसेस फॉलो की जा रही हैं हमारी कंट्री में उनको आप यहाँ पर जानकारी ले पाएंगे तो चलिए शुरुआत करते हैं परिचय से परिचय और इंट्रोडक्शन हमें यही बताता है किसी भी संगठन के लिए मानव संसाधन कितना ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है मानव संसाधन प्रबंधन लोगों और संगठनों के एक साथ लाने की एक प्रक्रिया है ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आप इम्प्लॉज़ को और आपके जो ऑर्गेनाइजेशन हैं उन्हें आप कंबाइन करते हैं उन्हें आप एक साथ लाने की कोशिश करते हैं ताकि एक दूसरे के लक्ष्य को पूरा किया जा सके ये दोनों ही लोग एक साथ मिलकर कार्य करते हैं इनके लक्ष्य हैं जिन्हें ये मिलकर पूरा करते हैं संगठन चाहती हैं कि उनका प्रॉफिट हो उनके ऑर्गेनाइजेशन में ग्रोथ और सक्सेस उनको देखने को मिले इसके साथ ही जो उसमें कार्य कर रहे कर्मचारी हैं उनके भी उद्देश्य होते हैं कि वो अच्छे से अच्छी नौकरी करें उसमें अच्छी कमाई करें और संसाधनों के साथ अपने जीवन में आगे अपने करियर का डेवलपमेंट करें तो ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें आपकी ऑर्गेनाइजेशंस और आपके एम्प्लॉयज़ को ये साथ में ला कार्य कराने में मदद करता है The role of HR manager is shifting from the protector and screener to the role of planner and change agent. किसी ज़माने में पहले सदियों में क्या होता था आपका जो एच जो प्रबंधन था वो प्रबंधन क्या करता था प्रोटेक्ट करता था और लोगों की चीज़ों को जानकारियों में ज़्यादा इन्वॉल्व रहता था लेकिन आज के समय में उसमें बदलाव आ चुका है वो एक प्लानर की तरह कार्य करता है वो ये देखता है किस प्रकार से कार्य को किया जाना है और इसके साथ साथ वो एक चेंज एजेंट का भी एक बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है कि किस प्रकार से संगठन में बदलते हुए दौर में बदलाव लाना है और अपने आप को उस बदलते दौर में अपने आप को तैयार करके आगे बढ़ाना है पर्सनल डायरेक्टर्स आर दी न्यू हीरोज जो आपके डायरेक्टर्स हैं जो पर्सनल मैनेजर्स हैं जो आपको डायरेक्ट करते हैं वो आज के ज़माने में आज के समय में आपके संगठन के हीरो कहलाते हैं क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको सही दिशा दिखा रहे हैं आपके बारे में प्लानिंग कर रहे हैं और मदद करते हैं आपको और आपके संगठनों को अपने उद्देश्य को पूरा करने में द नेम ऑफ गेम टूडे इन द बिजनेस इज पर्सनल एंड नाउ इट इज़ नॉट पॉसिबल टू शो अ गुड फाइनेंशियल एंड ऑपरेटिंग रिपोर्ट अनलेस योर पर्सनल रिलेशंस आर इन ऑर्डर अगर आपके संगठन में आपके नियुक्तकर्ताओं और कर्मचारियों के बीच में एक अच्छा व्यवहार नहीं है एक अच्छा रिलेशनशिप नहीं है तो कोई फायदा नहीं है आप अपने कंपनी में कितना भी फाइनेंशियली ग्रो कर रहे हैं या फाइनेंशियल एस्पेक्ट आपका अच्छा दिखा रहे हैं वो कहीं ना कहीं आपकी कंपनी की एक बेहतर इमेज को साबित नहीं कर पाएगा इसके बाद ही हम बात करते हैं सिग्निफिकेंस की मानव संसाधन प्रबंधन का महत्व क्या है अट्रैक्शन प्रिजर्वेशन एंड डेवलपमेंट ऑफ हाई कैलिबर पीपल आर दी सोर्स ऑफ कॉम्पिटेटिव एडवांटेज फॉर आर बिजनेस एंड आर दी रिस्पॉन्सिबिलिटीज ऑफ एच आपके संगठन में अच्छे लोगों का होना बहुत ज़रूरी है अगर आप चाहते हैं कि आपके जो संगठन है वो अपने उद्देश्य को पूरा करें तो ये जो एच आर मैनेजर है या एच आर एक्टिविटीज़ हैं वो आपको मदद करती हैं अच्छे लोगों को आपके संगठन के प्रति अट्रैक्ट करने में आकर्षित करने में प्रिजर्वेशन उनको किस प्रकार से हमें अपने संगठन में बनाए रखना है और उनका विकास करना है तो इसलिए ये मानव संसाधन प्रबंधन की जो प्रक्रिया है ये बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि किसी भी संगठन में इम्प्लॉयज़ को अट्रैक्ट करना उनको रिटेन करना और उनके डेवलपमेंट की जो जिम्मेदारी है वो ये मानव संसाधन प्रबंधन की ए, के ऊपर होती है और इसके बिना आपके संगठन का कार्य बेहतर तरीके से नहीं हो सकता है। इसलिए इसका होना अनिवार्य है ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आर इफेक्टिव एंड एफिशियंट इन यूटिलाईजेशन ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज हारमोनियस रिलेशनशिप अमंग ऑल इम्प्लॉयज एंड मैक्सिमम डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअल ये इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि इन्हीं की मदद से आप अपने जो कर्मचारी हों उनको पूर्तहाँ इफ़ेक्टिव यूटिलाइजेशन आप उनका कर पाते हैं उनको मालूम है कि उनको किस प्रकार से कार्य कराना है कितना कार्य कराना है क्या कार्य कराना है इसकी जानकारी ये रखते हैं क्योंकि इससे पहले ये सारे ही कार्य का विश्लेषण कर चुके हैं इन्हें मालूम होता है कि जॉब के रिक्वायरमेंट्स क्या हैं और किस प्रकार के लोगों की हमको जरूरत है उनसे किस तरीके के कार्य को कराना है तो लोगों को इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करना बहुत जरूरी है अगर आप उनका यूटिलाइजेशन इफेक्टिवली नहीं करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके संगठन की जो लागत है वो उस पर बढ़ेगी आप चाहते हैं कि आपके संगठन में आपके जो कर्मचारी हैं उनके बीच में रिलेशनशिप बेहतर हो हारमोनियस रिलेशनशिप के साथ कोऑर्डिनेटेड और कोऑपरेटिव uh, तरीके से वो एक दूसरे के साथ कार्य करें चाहे वो रिलेशनशिप नियुक्तकर्ता और कर्मचारी के बीच का हो चाहे वो रिलेशनशिप कर्मचारी से कर्मचारी का हो और ये ये भी ध्यान रखते हैं कि आपके संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारियों को किस प्रकार से विकास हो तो ये सारी ये चीजें पूर्ण करने के लिए किसी भी संगठन में मानव संसाधन प्रबंधन का होना अनिवार्य है इसके साथ साथ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर मैनेजर्स स्टाइल ऑफ सुपरविजन हिज प्लान हिज पॉलिसीज एंड प्रोसीजर्स हैव अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट ऑन द इंडिविजुअल परफॉर्मेंस आपके कार्य कर रहे कर्मचारियों की जो भूमिका है काम करने की या जो उनका परफॉर्मेंस है वो बहुत हद तक इस पर निर्धारित करता है कि आपके संगठन के जो ह्यूमन रिसोर्स हैं वो किस प्रकार से उनको निर्देश दे रहे हैं किस प्रकार से सुपरवाइज़ कर रहे हैं किस प्रकार से उनकी एक्टिविटीज़ को प्लान कर रहे हैं तो अगर आपके यहाँ बेहतर एक मैनेजमेंट होगा मानव संसाधन का तो वो बहुत हद तक संभव है कि आपके कर्मचारी की परफॉर्मेंस को उनकी प्रोडक्टिविटी को उनकी एफिशिएंसी को बढ़ाने में मदद करे इसके आगे हम बात करते हैं आज के ज़माने में जो एच मैनेजर हैं वो किन किन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं किन किन चीज़ों पर वो फोकस कर रहे हैं ताकि ऑर्गेनाइजेशंस आगे अच्छे प्रकार से कार्य कर सकें इसमें सबसे पहले आती हैं नीतियाँ पॉलिसीज़ जो एच पॉलिसीज़ हैं वो किस पे बेस्ड होनी चाहिए ट्रस्ट पे एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए ओपननेस होनी चाहिए उसमें इक्विटी और कॉन्शियसनेस की वो बात करें कि लोगों के साथ हमें एक एक दूसरे के साथ इक्वल ट्रीटमेंट रखना है आ, कैसे हम एक दूसरे से बातचीत करेंगे ओपननेस होनी चाहिए ट्रस्ट होनी चाहिए जिसमें हम अपने एक दूसरे के विचार को व्यक्त कर सकें और उस पर उस पर अंडरस्टैंड करके कोई पॉलिसी बना सके तो आज के ज़माने में एच मैनेजर जो है वो बहुत हद तक ध्यान रखते हैं कि, कि किस प्रकार से संगठन की जो नीतियाँ हैं उन्हें तैयार किया जाए उसके बाद ये कार्य करते हैं प्रेरणा पर मोटिवेशन पर क्योंकि अगर हमारे जो कर्मचारी हैं वो प्रेरणा उनको मिलती रहेगी और अगर कहा मनोबल बढ़ा रहेगा तो वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से कर पाएंगे उनके कार्य करने में उन्हें एंथुसियाजम रहेगा एक ज़ील होगा उनके अंदर काम करने की इच्छा होगी इनिशिएटिव वो ले पाएंगे और वो ऐसा महसूस करेंगे कि उन्हें कार्य करने में बहुत अच्छा लग रहा है और वो एक, एक विनर वाली फीलिंग उनके मन में आएगी अगर वो सही प्रकार से कार्य करने के लिए मोटिवेटेड किए जाते हैं इसके साथ ही ह्यूमन रिलेशन मैनेजर की ये जिम्मेदारी है कि वो रिलेशनशिप्स को बेहतर रखे रिश्ते अच्छे बनाए रखे जैसा कि हमने कहा कि हमारे संगठन में एक हारमोनियस रिलेशनशिप की बहुत ज़रूरत है अगर आपके यहाँ पे कर्मचारी या नियुक्तकर्ताओं के बीच में विवाद है अगर उनके आपस में बीच में कोई कन्फ्लिक्ट है ग्रीव्यांसिस हैं या कर्मचारियों की कर्मचारियों से नहीं बनती है तो कार्य करने में बहुत सारी बाधाएँ और दिक्कत आती हैं तो इन सारी बाधाओं और दिक्कतों को दूर करने में हमारा जो एच मैनेजर है मानव संसाधन का जो प्रबंधन है वो बहुत हद तक इसमें सहायता करता है कि कैसे उनके ग्रीव्यांसिस को एक दूसरे से दूर किया जाए और उन्हें मिल साथ में बेहतर कार्य करने के लिए सक्षम बनाया जाए इसके साथ ही जो हमारे एच मैनेजर हैं वो एक चेंज एजेंट की तरह कार्य करते हैं जैसा मैंने बताया कि हमारे यहाँ पर जो टेक्नोलॉजी जो तकनीक बदलाव आते हैं जो औद्योगिक परिवर्तन आते हैं उन सब के साथ साथ हमें भी बदलने की ज़रूरत होती है तो ये एच मैनेजर ही है जो अपने कर्मचारियों को प्रेरित करता है और सही दिखाव दिशा में उनको आगे ले जाता है उनको बताता है कि कैसे ये चेंज हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है और इस बदलते दौर में हमें अपने आप को बदलना जरूरी है इसके साथ ही ये चेतावनी भी देता है गुणवत्ता की जिसमें क्वालिटी कॉन्शियसनेस का भी ध्यान रखते हैं क्योंकि किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में जो भी आप कार्य करते हैं चाहे वो प्रोडक्ट दे रहे हो चाहे वो सर्विसेज दे रहे हो बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी क्वालिटी पर ध्यान दें क्योंकि अगर आप उसकी क्वालिटी को बनाए रखते हैं तो आपसे आपके एम्प्लॉज भी खुश रहते हैं आपके कस्टमर्स भी खुश रहते हैं और सोसाइटी आपके ऊपर ट्रस्ट करती है तो ये कुछ आ, आ, एरियाज हैं पॉइंट्स आप कह सकते हैं जिन पे आज के ज़माने में जो एच आर मैनेजर्स हैं उनका ज़्यादा ध्यान रहता है और वो कोशिश करते हैं कि इन सब चीज़ों को वो संगठन में सही तरीके से करने दें इसके बाद हम बात करते हैं वर्तमान समय में मानव संसाधन प्रबंधन की क्या भूमिका हैं किस प्रकार से अलग अलग प्रकार के रोल्स जो हैं वो ऑर्गेनाइजेशन में प्ले करते हैं जैसा कि अभी हमने ये स्टेप्स पढ़े थे उसी के बेसिस पे आप ये कह सकते हैं कि सबसे पहला जो वो रोल प्ले करते हैं वो रणनीति या साझेदार में जो स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है या पार्टनरशिप में ये मदद करते हैं कि आपकी जो संगठन में जो भी कार्य हो रहा है उसको ये पूरी तरीके से प्लान आउट करें हर एक्टिविटी को चेक करें तो एक स्ट्रैटेजिक पार्टनर की तरह कार्य कर रहे हैं जो आपके हो रहे जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं या जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उसमें ये मिल एक रणनीति साझेदारी के साथ ये कार्य करते हैं कि हर एक चीज़ को इन्हें चेक करना है कि वो प्रॉपरली हो रही है या नहीं हो रही है दूसरा ये कर्मचारी अधिव्यक्ता के तरीके से भी कार्य करते हैं क्योंकि ये एम्प्लॉयज़ के एडवोकेट होते हैं ये कोशिश करते हैं कि आपके जितने भी कर्मचारी हैं उन्हें सब तरीके की सुख सुविधाओं के साथ कार्य कराया जाए बेटर कंडीशंस हो बेटर रिलेशनशिप्स उनके साथ मेंटेंड हो उनके साथ जस्टिस के साथ कार्य किया जाए कोई अनिकवल ट्रीटमेंट नहीं हो उनके जो सैलरीज हैं वेजेस हैं उनको जो बेनिफिट्स दिए जाएँ वो पूरी तरह ध्यान में रखे जाएँ तो ये कर्मचारियों की तरफ से भी ध्यान रखते हैं उनके प्रोटेक्शन की बात करते हैं क्योंकि ये एच मैनेजर हैं ये मानव संसाधन के प्रबंधक हैं तो जो मानव संसाधन हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं जो ह्यूमंस हमारे यहाँ कार्य कर रहे हैं उनकी जिम्मेदारी इनके ऊपर होती है तो उनके प्रति जो भी कार्य होना है उसके बारे में ये ध्यान रखते हैं और ये रोल प्ले करते हैं एज अ चेंजिंग एजेंट का जो भी हमारे संस्थान में जो भी बदलाव आ रहे हैं या संस्थान के अलावा बाहर जो भी बदलाव आ रहे हैं जिन्हें हमें अपने संगठन में शामिल करना है उन सारे बदलाव को करने में ये मदद करते हैं इसके आगे हम बात करेंगे रीसेंट ट्रेंड्स की एच का जो आज की तरफ रुझान है वो किस प्रकार से है जैसा कि हम जानते हैं कि आज के समय में बहुत सारे स्टैंडर्ड्स ऑफ क्वालिटीज़ बन गए हैं जो मेजर करते हैं आपके एस्पेक्ट्स को कि आप किस लेवल ऑफ क्वालिटी को मेंटेन करते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में और इसी के साथ हमारे बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जैसे कि 9001 है आई 9004 ऑफ 2000 है जो फोकस करते हैं पीपल सेंट्रिक ऑर्गेनाइजेशन पे जो ये कहते हैं कि ऐसी ऑर्गेनाइजेशन पर हम ज़्यादा केंद्रित रहते हैं हमारा ज़्यादा ध्यान रहता है जहाँ जो संगठन अपने मानव संसाधन के ऊपर ध्यान रखते हैं या उनको बेहतर सेवाएँ या उनको बेहतर सर्विसेज आ, Uh, करने के लिए अच्छी कंडीशंस प्रोवाइड करते हैं उनकी हर बात का ध्यान रखते हैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को ये ज़्यादा फोकस करते हैं और उनको ज़्यादा अप्रिशिएट uh, करते हैं सो ऑर्गेनाइजेशन नाउ नीड टू प्रिपेयर दैन इन ऑर्डर टू एड्रेस पीपल एंट्रिंग इशूज विद द कमिटमेंट फ्रॉम द टॉप मैनेजमेंट विद री ट्रस्ट ऑन एच आर इशूज मोर पर्टिकुलरली ऑन ट्रेनिंग तो ये ध्यान रखते हैं कि कैसे हम अपने एम्प्लॉज का ट्रस्ट को गेन uh, कर सकें और एच आर इशूज़ को इस प्रकार से हम डील करें कि हमारे संगठन में कार्य कर रहे कर्मचारी सही प्रकार से कार्य करें और उनके विकास के बारे में हम यहाँ ज़रूर बात करें तो ये जो रिसेंट ट्रेंड है एच का वो इसी पे फोकस कर रहा है कि हमारे जो इम्प्लॉयज़ हैं उनसे रिलेटेड जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं उनको हम ज़्यादा से ज़्यादा फोकस करें और उनको अपने संगठन के असेट मानते हुए उन पर काम करें एक और बदलाव जो आ रहा है वो है सिख सिग्मा सिक्स सिग्मा जो प्रैक्टिसज हैं उसको संगठनों में इस्तेमाल किया जा रहा है और आप चाहते हैं कि आप अपने कॉम्पिटिटर से आगे बढ़ें टू मूव अहेड ऑफ अ कॉम्पिटिशन इन दिस वर्ल्ड ऑफ अनसर्टेनिटी ऑर्गेनाइजेशन हैव टू इंट्रोड्यूस सिक्स सिग्मा प्रैक्टिसज जो एक रिगरस एनालिटिकल टूल है विद द लीडरशिप फ्रॉम दी टॉप एंड डेवलप अ मॉडल और मेथड फॉर सस्टेनेबल इम्प्रूवमेंट आप चाहते हैं कि आपके संगठन का एक सस्टेनेबिलिटी बनी रहे और आप एक लंबे समय तक कार्य करना चाहते हैं जिस आज के दौर में जैसा कि हम जानते हैं कि बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स का हमें सामना करना पड़ता है और हम इन कॉम्पिटिटर्स से आगे अगर निकलना चाहते हैं तो बहुत ज़रूरी है हम अपने संग, आ, संगठन में इन सिख सिगमा प्रैक्टिस को फॉलो करें जो हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाती है जो मदद करती हैं कि कैसे आप अपनी सेवाओं को या अपने प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करें और अपने कॉस्ट को मिनिमाइज़ करें इसके बाद ह्यूमन रिसोर्स अकाउंटिंग की तरफ आज का बहुत हद तक रुझान रुजा, है जो रिसेंट प्रैक्टिसज हम देखने को मिलती हैं जिसमें जो संगठन है वो इस बात पे कोशिश करती हैं आज के ज़माने में कि वो करें जिसमें आप अच्छे हैं और बाकी की चीज़ों को आप क्या कर सकते हैं बाहर से मदद ले सकते हैं तो उसको हम आउटसोर्सिंग का नाम देते हैं आप उन सारी एक्टिविटीज़ पे फोकस करिए जो एक्टिविटीज़ आपको लगता है कि आप करने में सक्षम हैं और बेहतर तरीके से कर पाएंगे बजाय अपने आप को उन सारी चीज़ों में इन्वॉल्व करने के लिए जो आपको नहीं मालूम है या उसको आप बेहतर तरीके से नहीं करते कर सकते हैं तो इसके लिए बेहतर होगा कि आप आउटसोर्सिंग करें और आउटसोर्सिंग करने से कई बार ही आपको बेनिफिट मिलता है आपका टाइम भी बचता है और कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट सेविंग में भी आपकी मदद करता है तो बहुत सारे आज के ज़माने में जो फॉर्च्यून 500 कंपनीज़ हैं वो इस सारे कंसेप्ट को फॉलो करती हैं डू वॉट यू आर बेस्ट इन टू एंड आउटसोर्स दी रेस्ट इसके साथ ही रिटेंशन स्ट्रैटेजी पर आजकल एच बहुत हद तक कार्य कर रहा है क्योंकि बढ़ते हुए कॉम्पटिशन को जब हम देखते हैं तो एम्प्लॉयज़ के पास बहुत सारे मल्टीपल ऑप्शनज़ अवेलेबल हैं बहुत सारे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ अवेलेबल होने की वजह से सोशल मीडिया के आने की वजह से ग्लोबलाइजेशन के होने की वजह से इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के एडवांसमेंट की वजह से जो हमारे एम्प्लॉयज़ हैं उनके पास मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज़ एंड ऑप्शंस अवेलेबल हैं तो आज के ज़माने में अगर आप अपने संगठन इस बात पर ध्यान नहीं रखती हैं कि वो किस प्रकार की सेवाएं अपने कर्मचारियों को दे रही हैं तो बहुत मुश्किल होगा उनको अपने संग, अपने संगठन में लंबे समय तक बनाए रखने में और अगर आपके पास राइट टैलेंट नहीं है या आप राइट टैलेंट को रिटेन नहीं कर पा रहे हैं तो आप अपने ऑर्गेनाइजेशन के लिए कहीं ना कहीं नुकसान कर रहे हैं तो कंपनीज़ आजकल काम कर रही हैं रिटेंशन स्ट्रैटेजीज़ पे किस प्रकार से अपनी सेवाओं को और बेहतर कर सकें ताकि अपने एम्प्लॉयज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय तक वो जोड़े रह सकें इसके बाद हमारे पास कुछ फोर्सेस हैं कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जो हमारे एचआरएम को आज के ज़माने में चेंज करती हैं जिसमें बदलाव लाती हैं वो क्या क्या चीज़ें हैं जिनकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में मानव संसाधन प्रबंधन की प्रक्रियाओं में बदलाव आया है उसमें सबसे पहला जो की फोर्स है वो है तकनीकी टेक्नोलॉजी जैसा कि हम जानते हैं दिन प्रतिदिन नई टेक्नोलॉजी आती है नए नए एडवांसमेंट्स हो रहे हैं नए नए काम करने के तरीके आ रहे हैं प्रक्रियाएं बदल रही हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हम आज के ज़माने में कर रहे हैं जहाँ पर एम्प्लॉयज़ का जो काम है वो भी अब मशीन्स करने लगी हैं तो इसने बहुत हद तक हमारे एच आर को कहीं हद तक हिला दिया है और जिसकी वजह से उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव आया है जो पैराडिक शिफ्ट हम कह सकते हैं वो लेकर आया है हमारा ये तकनीकी बदलाव जो है और हमारे कार्य करने के तरीकों को वो बहुत हद तक बदल देता है इसके बाद जो दूसरा बदलाव आया है वो ऑर्गेनाइजेशन के स्ट्रक्चर्स में आया है जो ऑर्गेनाइजेशन है पहले जो वो कार्य करती थी उनके कार्य करने की प्रक्रिया बिल्कुल अलग थी लेकिन अब उनके जो स्ट्रक्चरिंग है उनकी जो हरारकी है या जिस प्रकार से वो अपने फंक्शंस को अपने स्ट्रक्चर को रीडिफाइन करते हैं और अलग अलग उन्होंने जो नए नए जॉब्स उन्होंने इनिशिएट की हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में उसमें बहुत हद तक बदलाव आया है बहुत सारे इंडियन स्टैंडर्ड ऑर्गेनाइजेशन हैं जिनको इम्प्लीमेंट करने की वजह से कंपनीज़ पे ऑर्गेनाइजेशन पे ये फोर्स है कि वो अपने आप को अलग तरीके से रिप्रेजेंट करें अलग स्ट्रक्चर्स में लेकर कर आएँ जिसकी वजह से जो एच आर हैं उसमें भी बहुत हद तक चेंज आ चुका है और तीसरा जो इसमें इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट चेंज हुआ है वो है ग्लोबलाइजेशन की वजह से आज के ज़माने में हम केवल अपने अपने ही देश में कार्य नहीं कर रहे हैं हम कार्य कर रहे हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबलाइज लेवल पे हम काम करते हैं और जब हम अपने संगठन को इंटरनेशनल लेवल पे ले जाते हैं तो हम इंटरनेशनल एच की बात करते हैं क्योंकि डाइवर्सिटी बढ़ती है अलग अलग तरीके के लोग अलग अलग जगह के दो लोग देशों के लोग आपके यहाँ पे कार्य कर रहे हैं जिनके कार्य करने का तरीका अलग है उनकी सोच अलग है उनके काम करने का जो मेथड है वो भी अलग है तो किस प्रकार से आप उन सभी लोगों को एक साथ मिलकर कार्य कराते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में उसकी वजह से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट प्रैक्टिस में बहुत हद तक बदलाव आया है तो जो चेंजिंग फोर्सेज हैं हमारे आज के दौर पर जिन्होंने कहीं ना कहीं उस पर प्रेशर डाला है दबाव डाला है बदलने के लिए वो कुछ इस प्रकार से हैं जिसमें हम तकनीकियों में बदलाव की बात करते हैं प्रेजेंट ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर में हम चेंजेस की बात करते हैं और मार्केट में ग्लोबलाइजेशन होने की वजह से ये प्रेशराइजेशन आया है इसके बाद अगर हम इमर्जिंग कंसेप्ट की बात कर रहे हैं करें तो जो हमारे उभरते हुए इस समय के जो कंसेप्ट हैं उसमें जिन पे हम ज़्यादा फोकस कर रहे हैं इनमें हम तीन चीजों की बात करेंगे कुल गुणवत्ता प्रबंधन जिसको हम टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट का नाम देते हैं मूल्यांकन केंद्र पे आज के ज़माने में हम बहुत फोकस करते हैं जिन्हें हम असेसमेंट सेंटर के नाम से जानते हैं और गुणमत्क व्रत के बारे में हम बात करते हैं जिसको हम क्वालिटी सर्कल्स कहते हैं तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले हम टी क्यू एम से जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट के नाम से जाना जाता है और ये जो टोटल क्वालिटी मैनेजमेंट है ये बेसिकली डिमिंग ने दिया है जिन डिमिंग ने इसके चौदह प्रिंसिपल चौदह सिद्धांत इन्होंने दिए हैं और इन सिद्धांतों की तरह ये बताते हैं कि कैसे किसी भी संगठन को हम मैनेज कर सकते हैं अंडरस्टैंडिंग द क्वालिटी ऑफ दैट ऑर्गेनाइजेशन तो टी क्यू एम इज अ कल्चर बेस्ड ऑन द रियलाइजेशन दैट दी हाई क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट एंड सर्विसेज आर एसोसिएटेड एंड एसोसिएटेड कस्टमर सेटिस्फेक्शन आर दी की टू ऑर्गेनाइजेशनल सर्वाइवल अगर आप चाहते हैं कि आपका संगठन जो है वो सर्वाइव करे और आ, बना रहे तो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप अपने प्रोडक्ट की अपने क्वालिटी की जो आ, क्वालिटी है उसको आप उच्च स्तर पे रखिए अगर आप अच्छी क्वालिटी और अच्छे प्रोडक्ट और सर्विसेज आप कस्टमर को देते हैं तो आपकी कंपनी का जो सर्वाइवल है वो लंबे समय तक रहेगा और अपने आप को आप सस्टेन कर पाएंगे इसके प्रिंसिपल्स के बारे में पढ़ते हैं सबसे पहला प्रिंसिपल कहता है क्रिएट कॉन्स्टेंसी ऑफ पर्पस एंड इम्प्रूविंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज लगातार आप अपने प्रोडक्ट को अपने सर्विसेज को इम्प्रूव करते रहिए उसमें रुकावट मत लाइए आप सोचें कि आज आपने इम्प्रूव किया है तो बस हो गया नहीं इसको हर समय आप इम्प्रूव करते रहें और आप कोशिश करते रहें कि कैसे आप अपने इन प्रोडक्ट्स की क्वालिटी को और बेहतर कर सकते हैं ऐड अडॉप्ट दी न्यू फ़िलासफ़ी एक पुराने पैटर्न पर कार्य करने की बजाय कोशिश कीजिए कि आप एक नई फिलॉसफी को ऐड कीजिए क्योंकि जब आप नए फिलॉसफी और नए तरीके से कार्य करते हैं तो आपके कार्य करने में बदलाव आने के साथ साथ आपकी जो चीज़ें हैं उनमें बेहतरता या सुधार होने के बहुत सारे चांसेस होते हैं क्योंकि आप किसी भी चीज़ को जब एक पर्सपेक्टिव से देखते हैं तो शायद आपको नहीं समझ में आता कि इसमें और क्या चीज़ें हैं जो बेहतर की जा सकती हैं बट जब आप अपने फिलोसफिकल आस्पेक्ट्स को जब आप चेंज करते हैं आप कुछ नई तकनीकियों का इस्तेमाल करते हैं तो आप बहुत सारे नए बदलाव भी लेकर आते हैं सीज डिपेंडेंस ऑन इंस्पेक्शन टू अचीव क्वालिटी कोशिश करिए कि आप अपना इंस्पेक्शन कराते रहें समय समय पर अपने कार्य का ताकि आपकी जो क्वालिटी है उसमें हर समय इम्प्रूवमेंट होता रहेगा आपके जो कर्मचारी हैं वो भी सतर्क रहेंगे उनको मालूम होगा कि क्वालिटी चेक होगी समय समय पर कोई इंस्पेक्टर आएगा जो चेक करेगा कि किस प्रकार से आप प्रोडक्ट्स को बना रहे हैं किस तरह की आप सर्विसेज को इम्पार्ट कर रहे हैं तो आपका एक स्टैंडर्ड उसमें मेंटेन रहेगा एंड दी प्रैक्टिस ऑफ अवॉर्डिंग बिजनेस ऑन प्राइस अलोन लोन मिनिमाइज द टोटल कॉस्ट बाय वर्किंग विद द सिंगल सप्लायर आप ये भी कोशिश ना करें कि आप पैसे के चक्कर में आप आप बिजनेस की प्रैक्टिसेस को चेंज करते रहें आप कोशिश करें कि आप एक ही सप्लायर के साथ कार्य करें ताकि आपके जो रॉ मटीरियल है जो आप जो आपको रिक्वायर्ड मटेरियल मटीरियल है उसमें बहुत ज़्यादा बदलाव नहीं हो उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस नहीं हो कई बार हम क्या करते हैं अपनी कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए ऐसे सप्लायर से मटेरियल प्रोक्योर कर लेते हैं जिसकी क्वालिटी बहुत अच्छी नहीं होती है जब आपके मटेरियल की क्वालिटी अच्छी नहीं होगी तो स्वाभाविक तौर पे आपके प्रोडक्ट की क्वालिटी भी बेहतर नहीं होगी तो आप कोशिश ये कीजिए कि आपने जो सप्लायर चूज़ किया है अगर वो आपको स्टैंडर्ड मटेरियल प्रोवाइड कर रहा है तो उसको ही आप कंटिन्यू करें और बहुत ज़्यादा उसमें बदलाव ना लाएं प्राइस के बेसिस पे खासकर इम्प्रूव कॉन्स्टेंटली एंड फॉर एवर एवरी प्रोसेस ऑफ प्लानिंग प्रोडक्शन एज वेल एज सर्विस आप हर समय अपने आप को इम्प्रूव करते रहें आप ये नियम बना लें एक सिद्धांत बना लें कि आपको अपनी सर्विसेज को अपने प्रोडक्ट को अपने प्रोसेस को अपने प्लानिंग के तरीकों को हर समय और बेहतर करना है कभी अपने आप को इस संतुष्टि में नहीं लाना है कि हम सबसे सबश्रेष्ठ कर रहे हैं और इससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता अगर हम इस तरीके की सोच के साथ कार्य करेंगे तो हम कभी भी इम्प्रूव नहीं हो पाएंगे क्योंकि लर्निंग और इम्प्रूविंग दो ऐसी चीज़ें हैं जो हम हर समय हर समय कर सकते हैं इंस्टीट्यूट ट्रेनिंग ऑन दी जॉब ऐसे कुछ इंस्टीट्यूट्स आप हायर करिए जो आपके कर्मचारियों को ट्रेन करते रहें उनके कार्य में उनको बताते रहें कि कैसे वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से कर सकते हैं अडॉप्ट एंड इंस्टीट्यूट इंस्टीट्यूशन लीडरशिप ऐसे आप लीडरशिप्स को अडॉप्ट करिए ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में सही लीडर्स हों और अगर आपके लीडर्स अच्छे होंगे वो सही तरीके से लोगों को डायरेक्शन दे पाएंगे और आपके कर्मचारी हैं जो वो सही कार्य को कर पाएंगे बेहतर लीडरशिप का होना बहुत ज़रूरी है क्योंकि लीडर कहीं ना कहीं आपको गाइड करता है कि आपको अपने कार्य को कैसे बेहतर बनाना है इसके बाद लोगों के मन से डर निकालिए ड्राइव आउट फियर अगर लोग डर के साथ कार्य करते हैं तो वो अपने कार्य को बेहतर तरीके से नहीं कर पाते हैं बहुत ज़रूरी है कि अपने काम पर आप कॉन्फिडेंट हों आप फियरफुली काम करें ठीक है अगर आप डर के साथ काम करेंगे तो आप काम अच्छा नहीं कर पाएंगे ब्रेक डाउन बैरियर्स बिटवीन स्टाफ एरियाज़ आपके जो स्टाफ एरियाज़ के जो एरियाज़ हैं जब जहाँ पे लोग आपके कार्य करते हैं वहाँ पे कहीं ना कहीं आप बैरियर्स लगा दीजिए या वहाँ पे रोकथाम करिए कि कितने लोग आ सकते हैं ताकि आपकी क्वालिटी में आपके प्रोडक्ट के सर्विसेज में कहीं कोई डिफ़िकल्टी ना हो एलिमिनेट स्लोगन्स एक्सटॉर्शन्स एंड टारगेट ऑफ दर्क फोर्स आप किसी भी तरीके का कोई टारगेट या एक्सटॉर्शन या स्लोगन्स मत दीजिए लोगों पर काम करने के तरीके पर कहीं ना कहीं जब वो जल्दबाजी करते हैं और इस तरीके की चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं तो वह के काम के क्वालिटी पर आपके प्रोडक्ट पर आपकी सर्विसज़ की क्वालिटी पर इम्पैक्ट डालता है एलिमिनेट नुमेरिकल कोटास फ़ॉर दी वर्क फोर्स एंड नुमरिकल गोर्स फॉर दी मैनेजमेंट किसी भी तरीके का को कोई पहले से ही निर्धारित न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई कोटा मत निर्धारित कीजिए कि कितना आपको तैयार करना है या आपके मैनेजमेंट का गोल किस नंबर में आपको अचीव करना है ऐसा करने से आप जल्दबाजी करते हैं और उस काम पे ज्यादा ध्यान नहीं देते हैं ये कहते हैं रिमूव वैरियर दैट रॉ पीपल ऑफ प्राइड ऑफ वर्कमैनशिप एंड एलिमिनेट द एनुअल रेटिंग और मैरिट सिस्टम ये ये भी कहते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन में परफॉर्मेंस अप्रेजल सिस्टम नहीं होना चाहिए जिसके बेसिस पे आप लोगों में आइडेंटिफिकेशन करते हैं कि कौन कार्य को बेहतर कर रहा है और कौन कार्य को बेहतर नहीं कर रहा है इससे क्या डिस्क्रिमिनेशन आता है और इसमें कहीं ना कहीं लोगों के मन में डिसेटिसफैक्शन आता है जिनके कार्य को बहुत अच्छे से सहारा नहीं जाता या सहारना नहीं मिलती है तो उनका मोरल डाउन करता है उनको डिमोटिवेशन होता है और उसका सारा असर उनके कार्य पे पड़ने लगता है ये कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ एग्रेस प्रोग्राम ऑफ़ एजुकेशन एंड सेल्फ इम्प्रूवमेंट फॉर एवरीवन। इस तरीके के आप प्रोग्राम्स को कंडक्ट कराते रहिए जहाँ पर इम्प्लाईज़ को उनके एजुकेशन के लिए उनके सेल्फ इंप्रूवमेंट के लिए बेहतर मौका मिल सके एंड पुट एवरीबडी इन कंपनी टू वर्क अकम्पलिशिंग द ट्रांसफॉर्मेशन और सबके साथ मिल कार्य करिए क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन का जो भी कार्य है वो इंडिविजुअल वर्क नहीं है इट इज़ ऑलवेज अ टीम वर्क तो बहुत ज़रूरी है जब सब मिल कार्य करते हैं तो आपका कार्य जो है वो बेहतर तरीके से कंप्लीट हो पाता है तो ये कुछ प्रिंसिपल थे जो डेमिंग ने दिए थे आपके संगठन में टोटल क्वालिटी को कैसे आप इम्प्रूव कर सकते हैं और उसको कैसे आप बढ़ा सकते हैं इसके बाद हम बात करते हैं असेसमेंट सेंटर्स की एक मूल्यांकन केंद्र है ये व्यापक का मानकृति प्रक्रिया है जिसमें विभिन्न प्रकार के जनशक्ति निर्णय के लिए कर्मचारियों का मूल्यांकन करने के लिए ससजन अभ्यास और नौकरी सिमुलेशन जिसमें व्यवसायिक खेल चर्चा रिपोर्ट और प्रस्तुतियाँ जैसी कई मूल्यांकन तकनीकियों का उपयोग किया जाता है आज के टाइम पर ये असेसमेंट सेंटर्स जो हैं वो बहुत पॉपुलैरिटी गेन कर रहे हैं क्योंकि असेसमेंट सेंटर एक ऐसा तरीका है जहाँ पर आप अच्छे तरीके से लोगों को एनालाइज़ कर सकते हैं उनको अंडरस्टैंड कर सकते हैं ये सिलेक्शन का भी एक मेथड है इफ़ यू रिमेंबर हमने पहले के व्याख्यान में भी बात करी है ट्रेनिंग में भी और डेवलपमेंट में में भी हमने बात करी है कि असेसमेंट सेंटर एक मेथड है जिसके द्वारा हम अपने एम्प्लॉज़ का उनको ट्रेन करते हैं उनका डेवलपमेंट कर सकते हैं क्योंकि उसमें डिफरेंट एक्टिविटीज़ का इस्तेमाल किया जाता है अलग अलग चीज़ों को हम इसमें यूज़ करते हैं जैसे बिजनेस गेम्स को हम यूज़ करते हैं डिस्कशंस करते हैं रिपोर्ट और प्रेजेंटेशंस हम कराते हैं अपने एम्प्लॉयज़ से ताकि वो अपने कार्य को और बेहतर तरीके से समझ सकें और उसमें सही तरीके से कार्य कर सकें तो असेसमेंट सेंटर एक कॉम्प्रिहेंसिव एक स्टैंडर्डाइज प्रोसीजर है जो मल्टीपल तरीके से एक ही तरीके से नहीं वो अपने एम्प्लॉयज़ को समझा रहे हैं आप या सिखा रहे हैं मल्टीपल वे से आप उनको समझाने की और तैयार करने की कोशिश करते हैं ताकि आपके ऑर्गेनाइजेशन में जो आपके मैन पावर की डिसीजन मेकिंग है उसको आप स्ट्रांग कर सकें आगे अगर हम बात करें असेसमेंट सेंटर के बेसिक पर्पस की क्या ज़रूरत है इसकी तो ये मेकिंग सिलेक्शन एंड प्रमोशन डिसीजन आपको अपने कर्मचारियों में से किसका सिलेक्शन करना है किसको प्रमोट करना है जैसे कि मैंने बताया सिलेक्शन का एक ये तरीका है आपके यहाँ पे बहुत सारे लोगों ने अप्लाई किया है जॉब के लिए उसमें से आपको सबसे बेहतर किसको चुनना है तो उसके लिए आप असेसमेंट सेंटर तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें आपके इम्प्लॉई को वो अलग अलग लेवल पे जज करेगा अंडरस्टैंड करेगा और अगर उन सारी चीज़ों में वो पास हो जाता है तो उसको आप सेलेक्ट कर सकते हैं ऐसे ही जब आपको किसी इम्प्लॉ को प्रमोट करना है किसी पोजिशन पर तो आप ये चेक कर सकते हैं कि क्या वो एम्प्लॉय उतनी पोटेंशियल या उतनी कैपेबिलिटी रखता है कि उसको आगे नई जॉब के लिए नई पोजीशन के लिए हमें प्रमोट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए ये ये भी मदद करता है कि आपके इंडिविजुअल जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी क्या स्ट्रेंथ हैं और उनकी क्या कमज़ोरियाँ हैं किस में वो अच्छे हैं और किस में वो कमज़ोर हैं इससे आपको जानकारी मिलती है और इन जानकारियों से आगे आप डिसीजन मेकिंग कर सकते हैं अगर उनकी स्ट्रेंथ है ज़्यादा हैं और अच्छे हैं वो कार्य करने में तो उनको प्रमोशन दिलाने में मदद करते हैं और उनकी जो कमज़ोरियाँ हैं वो कहीं ना कहीं आपको ये डिसीजन मेकिंग में मदद करती हैं कि कैसे आप उनके ट्रेनिंग और डेवलपमेंट की तैयारी करें द रिक्वायरमेंट ऑफ असेसमेंट सेंटर इज लिस्टेड बिलो लाइक मल्टीपल असेसमेंट टेक्निक्स मस्ट बी यूज लाइक बास्केट एक्सरसाइजेस का इस्तेमाल किया जाता है मैनेजमेंट गेम्स कराए जा सकते हैं लीडरशिप ग्रुप डिस्कशन कराया जाता है टेस्ट uh, किए जाते हैं इनके पर्सनालिटी इन्वेंट्रीज रखी जाती हैं ताकि अलग अलग तरीके से मल्टीपल वेज ऑफ असेसमेंट्स इसमें यूज़ किए जाते हैं मल्टीपल असेसर मस्ट बी यूज अलग अलग लोग आपको असेस कर रहे हैं ज़रूरी नहीं है कि एक ही आपका पर्सन है जो आपकी एक्टिविटीज़ को जज कर रहा है अलग अलग तरीके से लोग आपको अलग अलग एस्पेक्ट्स पे जज करते हैं एंड दे कैन बी द लाइन मैनेजर हु आर टू और थ्री लेवल्स टू दी सीनियर टू कैंडिडेट ऑफ प्रोफेशनल साइकोलॉजिस्ट ठीक है जो लोग काम कर रहे हैं जिनको जज किया जा रहा है उनसे ये एक या दो लेवल वाले लोग होते हैं जो उनको डिफरेंट एस्पेक्ट्स पे जज करते हैं जजमेंट शुड बी बेस्ड ऑन पूलिंग ऑफ इन्फॉर्मेशन अमंग दी असेसर और जो जजमेंट होता है वो सबके विचारों से मिल होता है कोई एक इंडिविजुअल पर्सन उसका जजमेंट नहीं देता है तो यहाँ पर जजमेंट के बेहतर होने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं क्योंकि बहुत सारे लोग अलग अलग एस्पेक्ट्स में आपको जज कर रहे हैं और उनके डिसीजंस को पूल करके फिर आपका जजमेंट दिया जाता है एंड ओवरऑल इवेल्युएशन ऑफ बिहेवियर शुड बी मेड एंड सेपरेटेड फ्रॉम दी ऑब्जर्वेशन ऑफ बिहेवियर एंड लास्टली सिमुलेशन एक्सरसाइजेज मस्ट बी यूज सिमुलेशन बेसिकली एक आर्टिफिशियल एनवायरनमेंट क्रिएट करना होता है आपके रियल एनवायरनमेंट की तरह से और फिर उस पर आप टेस्ट कराते हैं कि आपने जिस जिस बेसिस को सिलेक्ट किया था या जो एस्पेक्ट्स आपने कंसीडर करे थे क्या वो प्रॉपर तरीके से उसको परफॉर्म कर पा रहे हैं या नहीं उसके लिए आप सिमुलेशन एक्सरसाइज का भी इस्तेमाल कर सकते हैं इसके साथ ही जब हम क्वालिटी सर्कल्स की बात करते हैं तो क्वालिटी सर्कल्स आपके ग्रुप ऑफ इंप्लाइज हैं हु वॉल्ट्री मीट ऑन दी रेगुलर बेसिस टू आइडेंटिफाई डिफाइन एनालाइज एंड सॉल्व वर्क रिलेटेड प्रॉब्लम क्वालिटी सर्कल एक तरीके का इस, इस एक, एक ग्रुप है एम्प्लॉइज़ का जो वो अपनी ही सहमति से वॉल्ट्री ज्वाइन करते हैं ताकि वो मिल अपने गोल्स को अपने अपने आप को एनालाइज कर सकें और अपनी काम से रिलेटेड समस्याओं का सोल्यूशन ढूंढ सकें आमतौर पर किसी विशेष टीम के सदस्य को ही कार्य क्षेत्र से होना चाहिए या जो सम्मान कार्य करते हैं ताकि उनके द्वारा चुनी गई समस्याओं से वो सभी परिचित हों और इसके अलावा अंतर्विभागनीय या क्रॉस फंक्शनल गुणवत्ता मॉडल भी बनाए जा सकते हैं जिसमें आप क्रॉस फंक्शनल अंडरस्टैंडिंग रख सकते हैं कोई एक आपने अपने एरिया का एक्सपर्टाइज ढूंढ लिया या आपने डिफरेंट फंक्शंस के लोगों के साथ कार्य कर रहे हैं ताकि आपको एक दूसरे से जानकारी मिल सके कैसे आप अपनी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को ढूंढ पाएं तो अगर हम क्वालिटी सर्कल्स की ऑब्जेक्टिव्स की बात करें तो इसमें सबसे पहला है प्रमोट जॉब इन्वॉलमेंट आप चाहते हैं कि आपके कर्मचारी जो हैं उनका कार्य में इन्वॉल्वमेंट बढ़े क्रिएट प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी उनके अंदर प्रॉब्लम को या उनके परेशानियों को सल हल करने की कैपेबिलिटीज़ बढ़े बेहतर कम्युनिकेशन एक चैनल डेवलप हो लीडरशिप क्वालिटीज़ को आप प्रमोट करना चाहते हैं इसके थ्रू आप इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करते हैं आप चाहते हैं कि लोगों के मन में ज़्यादा अवेयरनेस हो क्लिनलीनेस के प्रति सेफ्टी के प्रति ज़्यादा अवेयरनेस हो उनका मुइल बढ़ाया जाए ताकि आप उनको आइडेंटिफाई कर सकें अपने ऑर्गेनाइजेशन के ऑब्जेक्टिव से और अपने खुद के स्वयं के उद्देश्य से रिड्यूस uh, एरर गलती होने के चांसेस को इनके द्वारा कम से कम कराया जाता है इसके साथ ही क्वालिटी सर्कल्स चाहते हैं कि आपकी जो क्वालिटी है कार्य करने का तरीका है वो बेहतर हो आपका जो कार्य है वो टीम वर्क में हो और बेहतर हो आप ऐसा एक एटीट्यूड बिल्ड करना चाहते हैं ताकि लोग प्रॉब्लम्स ना होने दें या प्रॉब्लम्स होने से बचें कॉस्ट को कम करने में ये मदद करता है ये मदद करता है कि कैसे मैनेजर सुपरवाइज़र और वर्कर के बीच में एक बेहतर रिलेशनशिप डेवलप किया जाए आपकी प्रोडक्टिविटी को बढ़ाने में ये मदद करता है और आपके मशीन्स और इक्विपमेंट को बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने की ये समझ देता है रिड्यूस करता है डाउन टाउन डाउन टाउन टाइम ऑफ योर मशीन एज वेल एज़ इक्विपमेंट जब आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है तो आप उस पर कार्य भी बेहतर तरीके से कर पाते हैं और ये एम्प्लॉय के मोटिवेशन को बढ़ाने में मदद करता है तो ये कुछ कार्य होते हैं जो क्वालिटी सर्कल द्वारा पूरे किए जाते हैं इसके बाद हम बात करते हैं इम्पैक्ट ऑफ टेक्नोलॉजी जो बदलती तकनीकी है उसने किस प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मानव संसाधन प्रबंधन के ऊपर जो बदलाव लाया है उसमें जैसे टेक्नोलॉजी के बेहतर होने से हम जानते हैं कि हमारी ऑपरेटिंग एफिशिएंसीज बढ़ गई हैं हमारे कार्य करने में जो सुविधाएं आई हैं वो बेहतर हो गई हैं अब अपने कार्य को जल्दी जल्दी कर पाते हैं हम बेहतर तरीके से लोगों से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं हमारे पास अब फ़ोन है ईमेल है इंटरनेट है तुरंत हम ऑनलाइन चैट कर सकते हैं तो हमारे कम्युनिकेशन का जो नेटवर्क है वो बहुत फास्टर हो गया है हमारी जो कॉस्ट है वो कम हो गई है क्योंकि हम बेहतर तकनीकी का इस्तेमाल करने की वजह से हम जो मशीनस हैं उनके द्वारा मास प्रोडक्शन कर सकते हैं और अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं ग्लोबल प्रेजेंस हमारी बढ़ गई है क्योंकि टेक्नोलॉजी इस प्रकार से है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का यूज़ करने से हम अपने ग्लोबल प्रेजेंस को बढ़ा पाए हैं आप कहीं पर भी रह के अपना प्रेजेंस बढ़ा सकते हैं अब आपका जो मार्केट है वो केवल आपका एरिया नहीं है वर्ल्ड इज योर न्यू मार्केट होल वर्ल्ड इज योर न्यू मार्केट जिसमें आप इंटरनेट के थ्रू अपने प्रोडक्ट को किसी भी देश के किसी भी कोने में बेच सकते हैं आप कॉम्पिटिटिव एडवांटेज लेने में आपको तकनीकी मदद करती हैं अगर आप टेक्नोलॉजिकली साउंड हैं और अपने ऑर्गेनाइजेशन में बेहतर या फास्टर टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल करते हैं तो आपको आपके कॉम्पिटिटर्स से ये एक एडवांटेज लेने में मदद करती है आपके ऑफिस इक्विपमेंट्स में स्मार्टनेस आई है एडवांसमेंट आई है आपकी एफिशिएंसी काम करने का जो आपका तरीका है वो बढ़ गया है पहले आप उस काम को मैनुअली करते थे अब आप टेक्नोलॉजी के थ्रू करते हैं तो आपका काम जो है वो जल्दी हो जाता है वर्क फ्रॉम रिमोट लोकेशन ये एक नई इसमें खूबी ऐड हुई है कि आप अपनी ही जगह पर बैठ के दूसरी जगह पर कार्य कर सकते हैं और इसमें अब लोग वर्क फ्रॉम होम करते हैं आपको कंपनी में जाके कार्य करने की ज़रूरत नहीं है तकनीकी मदद के द्वारा आप अपनी ही जगह से रहकर संगठन का कार्य पूरा कर सकते हैं स्पीड ऑफ इंफॉर्मेशन ट्रांसमिशन जो है वो बढ़ गया है आप बेहतर तरीके से और जल्दी जल्दी लोगों को इंफॉमेशन प्रोवाइड करा सकते हैं मैथड्स ऑफ कम्युनिकेशन आपके बहुत ज़्यादा इवॉल्व हो गए हैं अलग अलग तरीके से आप लोगों से बातचीत कर सकते हैं इम्प्रूव रिपोर्टिंग एंड ट्रैकिंग मैथड्स हैं आपके पास और वर्चुअल मीटिंग्स आप कर सकते हैं आप अलग अलग जगह पर बैठकर भी एक एक विषय पे एक चीज़ पे डिस्कशंस कर सकते हैं और इन सारी चीज़ों से आपके संगठन में मानव संसाधन की जो प्रबंधन है उसमें बहुत हद तक बदलाव आया है क्योंकि ये तकनीकियाँ जो हैं वो आपके सिस्टम में चेंजेस लाती हैं और जब आपके सिस्टम में बदलाव आता है तो आपके कार्य करने के तरीके में भी बदलाव आता है इसके साथ ही अगर हम बात करें वर्क फ्रो ट्रेंड्स की क्या वर्क फ्रो वर्क फोर्स ट्रेंड्स हैं आपके कार्यबल के में किस प्रकार के रुझान हैं तो आज के ज़माने में टेली कम्युनिकेटिंग एक इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है संचारन ग्लोबलाइजेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट आस्पेक्ट है और आज के ज़माने में हम आउटसोर्सिंग और ऑफ शोरिंग करते हैं कार्य की तो सबसे पहले हम बात करेंगे टेली कम्युनिकेटिंग की टेली कम्युनिकेटिंग एक ऐसा ज़रिया है जिसमें आप एक जगह से बैठ के दूसरी जगह पे कार्य कर सकते हैं टेली कम्युनिकेटिंग जो है वो दोनों को ही फ़ायदा देता है संगठनों को भी फ़ायदा देता है और इसके साथ साथ कंपनीज़ को कर्मचारियों को बहुत हद तक फ़ायदा देता है संगठनों को फ़ायदा मिलता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने ऑफिस स्पेस को रिक्वायर बढ़ाने की ज़रूरत नहीं है बहुत सारे उनके खर्चे बच जाते हैं इम्प्लॉयिज़ को ये फ़ायदा देता है कि वो अपना टेक केयर कर सकते हैं अपने आप को ज़्यादा समय दे सकते हैं अपने परिवार को ज़्यादा समय दे सकते हैं अगर उनको कोई स्वास्थ्य से रिलेटेड प्रॉब्लम है तो उस पर भी वो ध्यान दे पाएंगे अगर उनको नहीं ऑफिस कम्यूट करना है डेली बेसिस पे और इन सारी चीज़ों से हमारी जो टेली कम्युनिकेशन की वजह से प्रोडक्टिविटी बढ़ी है लोगों का एबसेंटिज़म रेट कम हुआ है एम्प्लॉ टर्नओवर रेट भी कम हुआ है और ये साथ ही साथ कम करता है रियल इस्टेट का कॉस्ट क्योंकि जब लोग अपने ही एरिया से काम करते हैं तो वो बड़े शहरों में नए घरों को या नई जगहों को नहीं ढूंढते हैं अपनी ही जगह पर रह के कार्य कर पाते हैं तो जिसकी वजह से रियल एस्टेट जो कॉस्ट है उसमें भी गिरावट आती है और रीलोकेशन कॉस्ट भी उनकी कम होती है तो इसकी वजह से टेली कम्युनिकेटिंग की वजह से आपके कर्मचारी और जो नियुक्तकर्ता हैं जो संगठन हैं उन सभी को फ़ायदा मिलता है दूसरा इसमें ग्लोबलाइजेशन की बात होती है ग्लोबलाइजेशन जैसा कि हम बात करते हैं कि फ्यूचर में जो मल्टीनेशनल कंपनीज़ हैं वो मदद कर सकती हैं या उनको मदद मिल सकती है कि किस प्रकार से वो दूसरे देशों के लोगों को अपने साथ जोड़ सकते हैं अगेन द प्रोसेस ऑफ टेली कम्युनिकेशन कैन बी यूज इन दी स्टेज ऑफ ग्लोबलाइजेशन जब आप अलग अलग लेवल पे काम करते हैं मल्टीनेशनल कंपनीज़ आपकी बन जाती हैं तो वो कंपनीज़ आपको मदद करती हैं कि किस प्रकार से आप अपने इम्प्लॉयज से जुड़े रहें थ्रू दी टेली कम्युनिकेशन और संगठन को भी अब ज़रूरत नहीं है कि वो आ, अलग अलग समय पे कार्य करें तो वो अगर टेली कम्युनिकेशन के थ्रू एक समय रखना चाहते हैं ट्वेंटी फोर बाई सेवन उनको ऑपरेट करने की जरूरत नहीं है उनका स्टैंडर्ड ऑफिस टाइम जो है वो फिक्स कर सकते हैं बाय अलाइंग पीपल टू वर्क फ्रॉम देयर रिमोट एरिया इट्स इसके बाद हम आउटसोर्सिंग और ऑफ की बात करते हैं आउटसोर्सिंग जैसे मैंने कहा वैले भी ये एक तरीका है जिसमें आप अपने कार्य को बाहर से कराते हैं जो कार्य करने में आप लगता है कि आप बेहतर नहीं कर पाएंगे अपना टाइम उसमें इन्वेस्ट करने की बजाय आप उस सर्विस को आउटसोर्स कर लेते हैं ऑफ कर लेते हैं ऑफ़ का मतलब होता है जब कंपनीज़ आपको अपनी आप सेवाएँ देती हैं पर्टिकुलरली उसी आस्पेक्ट्स में जिस आस्पेक्ट्स में आप उनका कार्य लेना चाहते हैं अगर हम बात करें एडवांटेजेस की आउटसोर्सिंग की तो आउटसोर्सिंग करना इसलिए बेहतर होता है क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी कॉस्ट को बचाता है आप उस कार्य को पूर्ता नए कार्य को अपने यहाँ पर करेंगे तो उसको पूरी तरह से आपको शुरुआत से उसकी तैयारी करनी होगी जिसमें आपकी कॉस्ट बढ़ सकती है जबकि अगर आप उसको आउटसोर्स कर देते हैं ऐसी जगह से जो ऑलरेडी एक्सपर्ट हैं उस कार्य को करने में तो वो आपकी एडवांटेजियस होगा आपके लिए आपको ये मदद करता है कि आप अपने प्राइमरी आस्पेक्ट्स पर फोकस करें जिस चीज़ में आप अच्छे हैं उसमें आप अपने आप को लगाए रखें तो आपको ये भी एक एडवांटेज मिलता है कि आपको और ज़्यादा चीज़ों में भटकने की जरूरत नहीं है डू वॉट यू आर बेस्ट इन टू एंड आउटसोर्स दी रेस्ट इसके डिसएडवाटेजेज़ ये हैं कि कई बार ये एम्प्लॉयी के मुराल को डाउन करता है हमें ध्यान रखना चाहिए जो कंपनीज़ आउटसोर्सिंग करती हैं या ऑफ शोरिंग करती हैं उनमें कार्य कर रहे कर्मचारियों के मुराइल में डाउन आता है क्योंकि उनको कहीं ना कहीं अपने प्लेस को रिशिफ्ट करना पड़ता है अपने कार्य करने के तरीके को बदलना पड़ता है उस अलग कस्टमर के हिसाब से कार्य करना पड़ता है तो इनके मुरैल में या इनके मोटिवेशन लेवल में कई बार दिक्कतें आती हैं इनको लॉस ऑफ एक्सपर्टाइज भी होता है क्योंकि अलग अलग तरीके के से कार्य कर रहे हैं ये एंड दे आर ऑल्सो हैविंग अ प्रॉब्लम विद द इशू रिलेटेड टू दी वर्क प्लेस ऑफ द फ्यूचर इनको आगे कहाँ कार्य करना है इसके बारे में नहीं पता होता तो यहाँ पे जो कार्य कर रहे कर्मचारी हैं जो ऑफ शोर सर्विसज में कार्य करते हैं या आउटसोर्सिंग में कार्य करते हैं उनके लिए कुछ समस्याएं आती हैं आगे हम बात करेंगे ई ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की जिसको हम ई मानव संसाधन प्रबंधन भी कहते हैं नेचर अगर हम इसका डिस्कस करें तो ये कहता है कि जो रिलेटिवली न्यू टर्म है अब हम क्या कर रहे हैं टेक्नोलॉजी से इसको जोड़ दिया एच क्या है ये हमको पता है और ई e हम इसमें बात कर देते हैं इलेक्ट्रॉनिकली की जब हम उसमें इलेक्ट्रॉनिकल इम्प्लीमेंटेशन डाल देते हैं तो हमारी सारी ही काम करने के जो तरीका है वो तकनीकी हो जाता है वेब बेस्ड हो जाता है तो वही हम उसको ई एच आर एम में कहने लगते हैं ई एच आर एम हैल टू इम्प्रूव इम्प्लॉई कॉम्पिटेंसीज बट रिजल्टेड आर कॉस्ट रिडक्शन एंड रिडक्शन ऑफ द एडमिनिस्ट्रेटिव बर्डन ई से जो फायदा आपको मिल रहा है वो ये है कि कहीं ना कहीं आपकी जो कॉस्ट है आपकी जो लागत है वो कम हो जाती है और आपका जो एडमिनिस्ट्रेशन है जो सुपरविजन है वो भी कहीं ना कहीं कम हो जाता है क्योंकि इससे चीज़ें ऑटोमेटिकली मेनटेन रहती हैं इसके एडवांटेजेस की अगर हम बात करें तो इसका ग्रेजुअल इम्प्लीमेंटेशन करना चाहिए अडेप्टन टू एनी न्यू क्लाइंट ये नए क्लाइंट को बेहतर तरीके से अडेप्ट करने में मदद करता है कलेक्शन ऑफ इन्फॉर्मेशन एज दी बेसिस ऑफ स्ट्रेटेजिक डिसीजन मेकिंग ताकि आप सही डिसीजन ले सकें सही कार्य कर सकें इट प्रोवाइड्स यू इंटीग्रल सपोर्ट ऑफ ह्यूमन रिसोर्स प्रैक्टिसज एंड द बेसिस फॉर द प्रोसेस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ये प्रॉम्प्ट डिसीजन मेकिंग लेने में आपको रिपोर्ट की एनालिसिस वे इंस्टेंट एनालिसिस प्रोवाइड करता है क्योंकि आपके पास सारी चीज़ें ऑनलाइन मेंटेंड हैं वेब पर मैंटेंड है इलेक्ट्रॉनिकली मेंटेन्ड है तो आपको तुरंत उसमें कुछ भी ढूंढना है आप ढूंढ सकते हैं आपको फाइलों में ढूंढने की जरूरत नहीं है मोर डायनेमिक वर्क फ्लो आपको ये प्रोवाइड करता है अडेसेसिव स्टेप है टूवर्ड्स ई पेपरलेस ऑफिस आपका जो ऑफिस है उसमें आपको पेपरों पर कागजों के पे काम करने की ज़रूरत नहीं है अब सारी चीज़ें आप क्या कर रहे हैं तकनीकी द्वारा कर रहे हैं इसी वजह से आपकी जो बिजनेस की कॉस्ट है जो लागत है वो कम हो जाती है जो आपकी मैनेजमेंट एक्टिविटीज़ हैं जो ई मानव संसाधन में आती हैं उसमें हमारी ई भर्ती है ई चयन ई प्रदर्शन प्रबंधक और आपका ई सीखना रिक्रूटमेंट सिलेक्शन परफॉर्मेंस मैनेजमेंट लर्निंग जितनी भी हमारी एक्टिविटीज़ हैं जो मानव संसाधन में ध्यान रखती हैं उन सबको हम क्या कर रहे हैं इलेक्ट्रॉनिकली इनकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहे हैं ई रिक्रूटमेंट स्ट्रैटेजी क्या है जिसमें आप इंटरनेट के द्वारा आप अपनी रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और ज़्यादा इफेक्टिव और एफिशिएंट बनाते हैं क्योंकि ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो आपको मदद करती है कि आप दूर दूर तक लोगों तक ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर सकते हैं कि आपके यहाँ पर किस प्रकार से वैकेंसीज और जॉब्स अवेलेबल हैं अगर हम इसमें देखें तो जॉब बोर्ड्स हम कर सकते हैं हम इनको प्लेस कर सकते हैं अलग अलग जगह पर हम जॉब की पोस्टिंग कर सकते हैं जिससे हमें और ज़्यादा बेहतर लोग मिलेंगे ऐसी एम्प्लॉयर वेबसाइट्स हैं जहाँ पर आप जॉब पोस्टिंग करते हैं जो लोग उनको एक्सेस करते रहते हैं दोज हु आर इन सर्च ऑफ न्यू जॉब उसको डायरेक्टली एक्सेस करते हैं और इससे आपको बेहतर कैंडिडेट मिलने की जानकारी ज़्यादा मिलती है बहुत सारे प्रोफेशनल वेबसाइट्स हैं जिन पे आप जॉब पोस्टिंग कर सकते हैं और इसके द्वारा भी आपको अच्छे प्रोफेशनल्स हायर लेवल पे जो टॉप मैनेजमेंट में आपको अच्छे कर्मचारियों की ज़रूरत होती है वो भी आपको इसके द्वारा मिल जाते हैं अगर हम ई एड ई रिक्रूटमेंट के एडवांटेज को देखें तो ये कहते हैं कि एक सेंट्रलाइज प्लेटफॉर्म है जिसके द्वारा आप अपने रिक्रूटमेंट को आसान बनाते हैं आप अपने वर्क को स्ट्रीमलाइन कर पाते हैं बेटर कम्युनिकेशन होता है और आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ती है आपके कार्य करने का जो प्रोसेस है वो जल्दी हो जाता है आपको पेपर का वेस्टेज नहीं करना पड़ता आप अच्छा कैंडिडेट पूल एक तैयार कर सकते हैं इसके द्वारा सेंट्रलाइज रिपोर्टिंग कर सकते हैं और इन सभी चीज़ों से आपका समय और आपका पैसा दोनों ही बचता है अगर हम ई रिक्रूटमेंट के डिसएडवांटेजेस देखें तो इसमें आपको क्या करना होगा कंप्यूटर सेवी बनना होगा आप ई रिक्रूटमेंट तभी कर पाएंगे जब आप टेक्नोलॉजी से अपने आप को बहुत ज़्यादा रेलेवेंट फील करते हैं आप टेक्नोलॉजी की नॉलेज रखते हैं तभी आप ये रिक्रूटमेंट कर पाएंगे इसके लीगल कई बारी कॉन्सिक्वेंसेज होते हैं अगर आप उसको सही तरीके से नहीं कर रहे हैं एप्लीकेशन का पूल कई बार बहुत ज़्यादा हो जाता है जिसको मैनेज करना और हैंडल करना बड़ा मुश्किल होता है कई बारी नॉन सीरियस एप्लीकेंट्स आपको अप्लाई कर देते हैं जो इंटरेस्टेड नहीं भी हैं या उस प्रकार की क्वालिफिकेशन एक्सपीरियंस नहीं भी रखते हैं तो भी वो अननेसेसरली उस पर अप्लाई कर देते हैं और डिस्क्लोजर ऑफ इन्फॉर्मेशन आपके संगठन की कई बार इंफॉर्मेशन जो है वो भी बाहर के लोगों तक पहुंच जाती है इसके बाद आपका ई सिलेक्शन उनको चैन करने का तरीका वो भी कुछ इस प्रकार से इसमें भी आपका प्रोसेस जो है वो पेपरलेस हो जाता है और आप इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट्स के थ्रू आप अपने कार्य को कर पाते हैं और अपने जो इम्प्लॉयज़ हैं उनको आप इवेलुएट कर पाते हैं वर्क सैम्पल्स के थ्रू स्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ के थ्रू पर्सनल इंटरवेंशन उनका सिचुएशनल जजमेंट टेस्ट आप ले सकते हैं कॉग्निटिव एबिलिटी टेस्ट आप ले सकते हैं ये देखने के लिए कि जो कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अप्लाई किया उनमें से आप किस को बेस्ट को सेलेक्ट करें इसके बाद आपका ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट आता है ये एक बिज़नेस इंटेलिजेंट टूल है जो आपको मदद करता है ये पता करने में आपके जो कर्मचारी हैं वो किस प्रकार से कार्य कर रहे हैं टेक्नोलॉजी जो होता है वो आपके राइटिंग रिव्यूज़ को और फीडबैक को जनरेट करने में आसानी बनाता है आसान कर देता है ये और टेक्नोलॉजी आपको फैसिलिटेट करता है अपने इंडिविजुअल की परफॉर्मेंस को मेजर करने में और मॉनिटर करने में वाया कंप्यूटर वाया ई मॉनिटरिंग एक्टिविटीज़ तो इससे आपका जो ई परफॉर्मेंस मैनेजमेंट सिस्टम है वो फैसिलिटेट होता है और अपने कार्य को आप और ज़्यादा जल्दी कर पाते हैं ऐसे ही आपकी ई e लर्निंग है ई e लर्निंग में आप वेब बेस्ड ट्रेनिंग का इस्तेमाल कर सकते हैं इंटरनेट बेस्ड ट्रेनिंग का आप इस्तेमाल करते हैं जिससे कि आपकी जो ट्रेनिंग है वो जल्दी हो सकती है और आप लोगों को ज़्यादा दूर तक बैठे लोगों को इसकी मदद आप पहुँचा सकते हैं इसमें आप वैराइटीज़ ऑफ मीडिया का इस्तेमाल कर सकते हैं ऑडियो का टेक्स का वर्चुअल इन्वामेंट को आप यूज़ कर सकते हैं एनिमेशन का आप यूज़ कर सकते हैं जिससे कि आपकी जो लर्निंग है वो और ज़्यादा बेहतर बन जाती है और ज़्यादा इम्पैक्टफुल बन जाती है तो ई लर्निंग कराने के ये कुछ फायदे होते हैं आगे हम बात करते हैं ई लर्निंग के फ़ायदे क्या हैं ई लर्निंग के एडवांटेजेस जो हैं वो आपकी कम लागत और बड़ी क्षमता आपको देती हैं कैपेसिटी आपकी बढ़ जाती है सुविधाजनक शिक्षण है ये कन्वीनियंट लर्निंग है आप जब जहाँ चाहें बैठ के ये लर्निंग ले सकते हैं ज़रूरी नहीं है कि आपको एक जगह पर फिजिकली प्रेजेंट होना हो तभी आप इसकी लर्निंग ले सकते हैं और आसानी से अध्ययन और उत्पन्न करने में आपको मदद करता है आप इसको इजीली अपग्रेड भी कर सकते हैं और अपडेट भी कर सकते हैं अगर आप इसमें कोई बदलाव फ्यूचर में करना चाहते हैं इसके साथ ही अगर हम बात करें डिसएडवांटेजेस की तो आपके ई लर्निंग के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं ये अनमोटिवेटेड लर्नर्स जोज हु विद दी पुअर स्टडी हैबिट्स में फेल बिहाइंड इसमें क्या है क्योंकि आपको इसमें स्वयं ही पढ़ाई करनी होती है लर्निंग गेन करनी होती है तो जो लोग बहुत ज़्यादा इस तरीके की हैबिट्स नहीं रखते हैं या जो ज़्यादा पढ़ना नहीं चाहते हैं तो उनको ये बहुत ज़्यादा एडवांटेज नहीं होती है लैक ऑफ फेमिलियर स्ट्रक्चर एंड रूटीन में यू नो में टेक गेटिंग यूज़ टू लोग क्या है इसके आधार नहीं है लोगों को इस तरीके की आदत नहीं है कि वो बैठ के इसको देखें समझें या इसके द्वारा पढ़ें तो जब वो uh, जानते नहीं हैं इसकी प्रक्रिया क्या है तो उसको जानने में समझने में उनको समय लगता है एंड स्टूडेंट्स में फील आइसोलेटेड और मिस सोशल इंटरेक्शन इसमें क्या है ये भी एक ड्रॉबैक है कि इसमें आप अकेले बैठ के पढ़ रहे हैं सोशल इंट्रेक्शन नहीं है कोई डिस्कशन नहीं हो रहा केवल आप सुन रहे हैं जो आपको बताया जा रहा है इंस्ट्रक्शन में नॉट ऑलवेज भी अवेलेबल ऑन दी डिमांड आपके जो इंस्ट्रक्टर हैं वो आपकी डिमांड के अनुसार नहीं हो सकते हैं कई बार ये स्लो और इंटरनेट कनेक्शन की वजह से बड़ा फ्रस्ट्रेटिंग भी होता है जब आपको एक प्रॉपर तरीके से जब उसका नहीं रिजल्ट मिल पाता है उसमें इंटरनेट स्लो कर रहा है तो प्रॉपर से आप वो नहीं ले पाते हैं मैनेजिंग लर्निंग सॉफ्टवेयर कैन ऑल्सो इन्वॉल्व लर्निंग कर्व Uh, जो सॉफ्टवेयर हैं आज के ज़माने में जिन तकनीकों का इस्तेमाल किया जाता है जिनके द्वारा आप लर्निंग प्रोवाइड करते हैं कई बार वो भी डिफिकल्ट होते हैं लोगों को समझना एंड सम कोर्सेज सच एज ट्रेडिशनल हैंड ऑन एक्सपीरियंस कैन बी डिफ़िकल्ट टू ट्यूमलेट और कुछ ऐसे भी कोर्सेज होते हैं जिन जिनपे आपको सामने बैठ कर हैंड ऑन एक्सपीरियंस देने से ही उनको आप बेहतर तरीके से समझा सकते हैं तो वो ई e लर्निंग के द्वारा बेहतर आप नहीं समझा पाएंगे इसकी अगर हम बात करें चैलेंजेस की एच के समक्ष क्या क्या, -क्या चुनौतियाँ आती हैं किस प्रकार के चैलेंजेस का वो सामना करते हैं तो सबसे पहले इसमें हम बात करें मैनेजिंग द विज़न आप अपने ऑर्गेनाइजेशन को एक 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 विज़न के तौर पर मैनेज करते हैं क्योंकि जो विज़न है वो आपकी कंपनी को डायरेक्ट करता है तो विज़न में किस तरीके से आप पहुंचना चाहते हैं किस प्रकार के आप मिशन क्रिएट करते हैं उन सारी चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है अपने इंटरनल इन्वायरमेंट को जानकारी रखना एक बहुत बड़ा चैलेंज है जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सामने आता है जो इंडस्ट्रियल रिलेशन है आज के बदलते दौर में वो उनमें बहुत सारा बदलाव हो रहा है ऑर्गेनाइजेशन कैपेसिटी कैपेबिलिटी बिल्ड करने में आपको दिक्कत आती है जॉब डिजाइन और जॉब स्ट्रक्चर को अंडरस्टैंड करने में डिफिकल्टी आती है एक लार्ज वर्क फोर्स को जगह के कर्मचारी एक बड़ी संख्या में कार्य कर रहे होते हैं तो एचारों को दिक्कत आती है उनको मैनेज करने में बहुत दिक्कत आती है एम्प्लॉयज को सेटिस्फाई करने में क्योंकि हर तरीके का एम्प्लॉई ऑर्गेनाइजेशन में कार्य करता है और सभी जो एम्प्लॉयज़ हैं उनकी अलग अलग बेसिक नीड्स और डिमांड हैं तो बहुत डिफिकल्टी होती है कि कैसे आप अपने एम्प्लॉज़ को सेटिसफाई करें मॉडर्न टेक्नोलॉजी को आप कैसे उन्हें हेल्प करें मदद करने में क्योंकि दोनों ही चीज़ें हैं जब आप टेक्नोलॉजिकली अपने आप को एडवांस करते हैं तो कहीं ना कहीं आपके यहाँ पर आप जॉब्स कम हो जाती हैं और आप अपने एम्प्लॉयज़ को इस तरीके से भी नहीं रख सकते बता सकते कि आपकी नौकरियाँ कम हो जाएंगी तो वो भी एक डिफ़िकल्ट आस्पेक्ट है किस तरह से वो स्ट्रैटेजिकली उससे डील करते हैं कंप्यूटराइज इंफॉर्मेशन सिस्टम को आपको इस्तेमाल करना है और ह्यूमन रिलेशनशिप्स को आपको बेहतर मेंटेन करने में समस्याएं आती हैं इसके आगे हम बात करते हैं कि भारत में किस प्रकार से हम इसको प्रचलित कर रहे हैं या भारत में किस प्रकार से इसकी प्रथाओं का प्रावधान हो रहा है भारत में बदलता एच आर एम जो इंडिया में चेंजिंग एच आर एम हॉरिजन है उस पर हमें ध्यान देना है आज के ज़माने में जितने भी संगठन हैं वो चाहती हैं कि एम्फेसाइज़ करें एम्प्लॉयज़ पे क्योंकि यही एक ऐसा रिसोर्स है जिसपे आप एम्फेसाइज कर कर अपने संगठन को और बेहतर कर सकते हैं इनका विकास के साथ इनको आगे बढ़ाने के साथ आप अपने ऑर्गेनाइजेशन का ही ग्रोथ कर पाएंगे एच आर चैलेंजेस को हम फेस करते हैं आज के टाइम पर जिन चैलेंजेस की अभी हमने बात करी प्रोग्रेसिव एच आर पॉलिसीज़ क्या हैं आपकी उनके बारे में डिस्कशन हो रहा है और लास्ट में हम बात करेंगे एम्प्लॉयज़ जो इम्प्लॉज़ हैं उसके द्वारा अगर आप एंट्रप्रीनियोरशिप कराएंगे तो बेहतर तरीके से आपके लोग कार्य को कर पाएंगे तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडियाज चेंजिंग एच आर अब इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन हमारे यहाँ आया था 1991 नाइनटी वन पे हाईपर कॉम्पिटेटिव इन्वामेंट हैज़ बीन क्रिएटेड सो एज इंटरनेशनल फॉर्म एंटर दी इंडियन मार्केट ब्रिंगिंग विद दैम इनोवेटिव एंड फ्यस कॉम्पिटिटिवनेस इंडियन कंपनीज वो अडॉप्ट एंड इम्प्लीमेंट इनोवेटिव चेंजेस इन देअ एच आर सो इंक्रीजिंग डिमांड ऑफ स्किल परफॉर्मेंस फॉर दी कंपनीज टू शिफ्ट फोकस ऑन अट्रैक्टिंग एंड रिटेनिंग हाई परफॉर्मेंस एम्प्लॉज इन दी कॉम्पिटिव मार्केट प्लेस इसमें यह कहा गया है जब 1991 में लिबरलाइजेशन आया था जिसकी वजह से अडॉप्ट हुआ था ये ग्लोबलाइजेशन और लोग जो प्राइवेटाइजेशन की तरफ मूव कर रहे थे और आपके यहाँ पर जो बाहर की कंपनीज आने लगी थी उन्होंने जब आपको कंपटीशन देना शुरू किया हमारे देश में तो जो एच आर थी उसमें भी बदलाव लाया गया और उन्होंने ये समझा कि किस प्रकार से हमें भी ज़रूरत है अपनी सर्विसेज में अपनी पॉलिसीज में चेंज लाने के लिए अपनी प्रैक्टिसेस में हम चेंज लाएं ताकि हम मार्केट से बेहतर से बेहतर टैलेंट को रिक्रूट कर सकें और सिलेक्ट कर सकें एम्फेसिस ऑन एम्प्लॉयज़ जैसा कि हमने बात करी आज के ज़माने में बहुत ज़रूरी है कि हम अपने एम्प्लॉयज़ पर फोकस करें अगर हम चाहते हैं एक अवेयरनेस अपने कॉम्पिटिटिवनेस को क्रिएट करने के लिए हम चाहते हैं कि हम मार्केट uh, में सस्टेन कर पाए तो हमें अपने कर्मचारियों पर जोर देना होगा हमें देखना होगा कि हमारे जो कर्मचारी हैं वो किस बेहतर सुख सुविधाओं के साथ कार्य कर रहे हैं कैसा कार्य कर रहे हैं उनको हमें विकास की तरफ ले जाना होगा उनका डेवलपमेंट करना होगा और जितना ज़्यादा हमारे ह्यूमन रिसोर्स का डेवलपमेंट होगा उतना ही हमारे संगठन जो हैं वो बेहतर होंगे इसके बाद हम एच आर चैलेंजेस की बात करते हैं वन ऑफ दी चैलेंज ऑफ एच आर मैनेजर इज़ इशू अप ग्रेडिंग दी स्किल सेट थ्रू द ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ये एक बहुत बड़ा चैलेंज है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के सामने कि किस प्रकार से वो अपने इंप्लॉयज़ के स्किल सेट्स को इंप्रूव करें विद दी हेल्प ऑफ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट इंडियन कंपनीज आर रिकग्नाइजिंग दिय रिपॉन्सिबिलिटी टू एनहेंस दम्प्लॉज अपॉर्चुनिटी टू डेवलप दिय स्किल्स एंड एबिलिटी फॉर फुल परफॉर्मेंस विद इन द पोजीशन एज वेल एज फॉर द करियर एडवांसमेंट यह बहुत जरूरी है हमारी इंडियन कंपनीज जो हैं वो ये समझ चुकी हैं कि हमें अपने एम्प्लॉज का ट्रेनिंग और डेवलपमेंट के थ्रू इम्प्रूवमेंट करना है ताकि वो अपने प्रेजेंट जॉब में अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर रख सकें और आने वाले प्रमोशंस uh, के लिए या आने वाले करियर के लिए वो बेहतर प्लानिंग कर सकें प्रोग्रेसिव आचार पॉलिसीज़ की हम बात करें तो टुडे इन टूडेज टाइम मोस्ट इंडियन कंपनीज़ आर कमिटेड टू प्रोवाइड इक्वल एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज फॉर ग्रोथ मैन एंड वुमेन तो आज के ज़माने में बदलती दुनिया में ये भी देखा गया है कि जो संगठन हैं वो बराबर की जो नौकरियां हैं वो प्रोवाइड करती हैं मोथ मैन एंड वुमेन को एंड एम्प्लॉयज आर इंक्रीजिंगली रियलाइजिंग दी वैल्यू ऑफ ट्रेन रिसोसेज स्पेशली दी वुमेन इन इंडिया और अब संगठन ये भी समझ रही हैं कि किस प्रकार से जो uh, महिलाएं हैं वो आगे आके अपने कार्य को कर रही हैं उन्हें भी हमें अपने साथ शामिल करने की और उनके विकास की ज़रूरत है ताकि हम उनको और ज़्यादा एजुकेटेड बनाएं और ज़्यादा नॉलेजेबल uh, बनाएं अपने ऑर्गेनाइजेशन में वैल्यू क्रिएट करने के लिए एम एनसीज लाइक पैप्सिको आर प्रोवाइडिंग फ्लैक्सबिलिटी सो दैट फीमेल एम्प्लॉइज एट वेरियस लाइफ स्टेजेस कोड बेनिफिटिटि फ्राम दिज पॉलिसीज़ लाइक वर्किंग फ्राम डिफरेंट सिटीज सबैटिकल फॉर कॉरपोरेट लाइफ एंड एक्सटेंडिड मेटर्निटी लीव तो बड़ी बड़ी कंपनी जो है वो आज के ज़माने में इस तरीके से पॉलिसीज लेकर आ रही हैं जहाँ पर वो महिला कर्मचारियों के लिए अलग से सुविधाएँ देती हैं ताकि वो अपने घर से अपनी सिटी से कार्य कर सकें टेली कम्युनिकेटिंग के थ्रू सबैटिकल ले सकें अपने कॉरपोरेट लाइफ से अगर उनको जरूरत है छुट्टी लेने की और वो ब्रेक लेना चाहती हैं तो वो ब्रेक ले सकती हैं उनको मेटर्निटी लीव्स प्रोवाइड जाएँ विद दी एक्सटेंडेड एक्सटेंशन ताकि वो अपनी फैमिली को और अपने चाइल्ड केयर की टेक केयर कर सकें इसके साथ ही हमारे एंटरप्रेन्योरशिप बाय एंटरप्रेन्योर्स की हम बात करते हैं इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है कि हम अपने इंप्लाइज़ के अंदर इंट्राप्रेन्योरशिप डेवलप करें उनके अंदर इस प्रकार से स्किल्स को डेवलप करें ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपना एक ऑर्गेनाइजेशन समझें उसमें ओनरशिप की जैसे उनको फीलिंग आए और जब आप किसी कार्य को ओनरशिप के साथ करते हैं आप उस फीलिंग के साथ करते हैं तो आपका जो कार्य होता है कार्य करने का जो तरीका होता है वो बेहतर हो जाता है सो इंडियन कंपनीज़ आर एनकरेजिंग इंटरप्रन्योर्स और एम्प्लॉयज हु हैव आइडियाज दैट कुड पोटेंशली बिकेम्स वेंचर उनको लगता है कि इनके पास ऐसी कैपेबिलिटीज है ऐसा कोई आइडिया है जो एक कंपनी के रूप में हम तैयार कर सकते हैं सो कंपनीज लाइक पैप्सिको NIIT and Adopt are actively promoting practice of entrepreneurship by employees within the organization, and human resource management has taken a leading role in encouraging corporate social responsibilities activities at all level. Companies like Wipro inculcate corporate social responsibility values among its workforce right at the beginning during the induction process. and the corporate presentations and keeping employees updated through regular newsletters are instrument used by HR. to keep employees energized about the ऑर्गेनाइजेशन social responsible initiative. तो ये सारी जो कंपनीज हैं वो इस प्रकार की चीज़ों को बहुत हद तक मानती और करती हैं जिसमें वो अपने एम्प्लॉयज़ को प्रेरित करती हैं कि उनके पास अगर कोई नया आइडिया है कोई नई टेक्निक है जिसको कि वो एंटरप्रेन्योरशिप में कन्वर्ट कर सकते हैं तो वो ऐसे वर्ड ऐसे वेंचर्स को अपनी ऑर्गेनाइजेशन में प्रमोट करते हैं इसके साथ ही विप्रो जैसी कंपनी जो अपनी सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को समझती हैं उनको कम्युनिकेट करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ के थ्रू अपने कस्टमर्स के थ्रू सोसाइटी तक पहुंचाती हैं ताकि हर एम्प्लॉई को हर पर्सन को उनके ऑर्गेनाइजेशन में उन एक्टिविटीज़ में वो इन्वॉल्व कर सकें और अपने कार्य को एनर्जाइज़ कर सकें अपने एम्प्लॉइज़ को अपने ऑर्गेनाइजेशन को सोशली रिस्पॉन्सिबल बना सकें इन इनिशियेटिवस के लिए इसके साथ ही आज के हम व्याख्यान के इन स्रोतों को देखेंगे हमारे क्या सोर्सेज हैं कहाँ से हमने इस कंटेंट को कवर किया है तो ये कुछ हैं आपके समक्ष और आज का ये व्याख्यान हम यही खतम समाप्त करते हैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद थैंक यू